बहुत सारी अच्छी खबरों के बीच एक डरावना ट्रेंड है। अच्छी खबर यह है कि 2001 के मुकाबले में 2017 में नंबर ऑफ मर्डर्स कम हुए हैं। पर्सनल वेंडेटा जो है वायलेंट नहीं हो रहा है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी वायलेंट रूप ले ले इसकी संभावना 2001 के मुकाबले 2017 में कम है। लेकिन सबसे बड़ी डरावनी ट्रेंड यह है कि 2001 के मुकाबले 2017 में लव एफेयर्स के चलते मर्डर की संख्या 28% बढ़ा है। ये बहुत ही भयानक ट्रेंड है। ऐसा क्यों हो रहा है, वजह जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। मेरा बचपन जो है बिहार के एक छोटे से कस्बे में गुजरा, तो वहाँ बहुत चीज अजूबा लगता था, पढ़ने पे बहुत चीज अजूबा लगता था। और एक उसी अजूबे में एक चीज लगता था, जब कभी मैं इंग्लिश का नोवेल पढ़ता था तो उसमें जो विमेन कैरेक्टर का जो डिस्क्रिप्शन होता था तो वो बड़ा अजीब लगता था कि 18th-19th century यूरोप में भी लड़कियां जो हैं कहीं भी घूम सकती हैं, किसी से भी अफेयर कर सकती है और साथ किसी से भी शादी कर सकती है। ये बड़ा अजीब लगता था क्योंकि आए दिन हमारे आसपास के बीच में जो खबरें आती थी कि उसके भाई ने उसको चिट्ठी लिख दी और उस पर हंगामा हो गया। हमारा एजुकेशन, हमारा स्कूल जो था को एजुकेशन वाला था, लेकिन लड़कों और लड़कियों के बीच में कंपार्टमेंट था, दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे, नहीं करते थे, और एक दूसरे को देखना भी वर्जित था। लगता था क्या कि अलग, उनकी अलग दुनिया और हमारी अलग दुनिया है। उसके बाद जब मैं 90s में दिल्ली आया पढ़ाई करने के लिए तो यहाँ एकदम से माहौल बदला हुआ था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि बिहार में आखिर क्या था जो दिल्ली में नहीं है। उसके बाद मुझे कास्ट सिस्टम को पढ़ने समझने का मौका मिला और तब उसमें पता चला क्या कि कास्ट सिस्टम का आधार जो है, बेसिस है, वो है रोटी बेटी पर कंट्रोल। किसके घर खाना खाना है और अपनी बेटी को किसके घर ब्याहना है, यही दो मूल है जाति व्यवस्था का। दिल्ली में पढ़ाई करने के दौरान ही और अलग अलग जगह से रिपोर्ट आने के बाद जो इकोनॉमिक चेंजेस हुआ, उसके बाद से खबरें आने लगी कि कास्ट सिस्टम की जो पकड़ है सोसाइटी पे ढीली हो रही है। वो बिहार में भी हो रही है, तमिलनाडु में भी हो रही है, महाराष्ट्र में भी हो रही है, मतलब पूरे देश में हो रही है। उसके बावजूद इतना भयानक ट्रेंड क्यों है? अगर बेटी पे कंट्रोल जो कास्ट सिस्टम का बेसिस है, बेटी पे कंट्रोल, महिलाओं पे कंट्रोल अगर कम हो रहा है तो फिर लव एफेयर्स किलर क्यों साबित हो रहा है? इसमें पूरे रिपोर्ट को, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी, पूरे रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कि केरल और वेस्ट बंगाल में इस तरह के मामले सबसे कम हैं और कुछ कुछ महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यूपी में ये बहुत तेजी से इमर्ज, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग किलर मोटिव है। तो केरल और वेस्ट बंगाल के बारे में हमको पता है कि वहाँ कास्ट सिस्टम की पकड़ बहुत पहले ही ढीली हो गई थी। तो वहाँ इससे एक चीज जो एकदम से साफ दिखता है क्या कि ये बेसिकली दो जनरेशन, हमारे जनरेशन और उससे पहले वाले जनरेशन जो कि कास्ट वैल्यू से ग्रो किया था, उसके मन में, सबकॉन्शियस में और शायद सोच में भी ये एकदम से बैठ गया है कि रोटी और बेटी को कंट्रोल करना है। लेकिन नए जनरेशन के जो हैं उनको लगता है क्या कि ये सब पुरानी बातें हैं, कहाँ खाना है और किससे शादी करना है ये मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस है। तो जहां विमेन एम्पावरमेंट हुआ है, जहां यूथ का एम्पावरमेंट हुआ है, वो एसर्ट करने लगे हैं और पुराने जनरेशन से वहां टकराव तेजी से बढ़ रहा है। जहां पुराने जनरेशन, जैसे वेस्ट बंगाल और केरल के मामले में, वहां पुराने जनरेशन ने ही इस बात को धीरे धीरे खत्म कर दिया था कि रोटी और बेटी को कंट्रोल करना मतलब कास्ट सिस्टम को खत्म ही करने की जरूरत है, वहां ये जनरेशनल क्लैश, इंटर जनरेशनल क्लैश नहीं हो रहा है, इसीलिए वहां ये वायलेंट लव एफेयर वायलेंट टर्न ले ले, ये इसका, इसकी संख्या बहुत कम है। जबकि बाकी देश के बाकी इलाके में ये जो दो इंटर जेनरेशनल क्लैश है उसकी वजह से इस तरह के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जिन इलाकों में यूथ एम्पावरमेंट और वीमेन एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है, तेजी से नहीं हुआ है, वहाँ इस तरह के मामले नहीं हुए हैं क्योंकि वहाँ के यूथ भी अभी तक इस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि पुराने ऑर्डर को चैलेंज कर सकें। इसीलिए उन जगहों पर भी
इस तरह के मामले में कम है, लेकिन जहां यूथ और वीमेन एम्पावरमेंट तेजी से हुआ है वहां इंटरजेनरेशनल क्लैश तेजी से बढ़ा है, और यही वजह है कि लव अफेयर जो है किलर मोटिव बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है।